सिर्फ अभी हो गया, इनका कसूर नहीं है। तुम्हें उसका रसूम मजाकुम रसूल मुसद्दिकुल्ली मामाकुम। वो रसूल आकर क्या करेगा? वो तस्दीक करेगा उस चीज की जो तुम्हारे पास है। अब देखना यह है कि नबियों के पास क्या होता है, क्या कोई दुनिया की दौलत होती है, मकान ज्यादा होते हैं, फैक्ट्री होती है, क्या होता है कि उस नबी ने आकर तस्दीक करनी है? दूसरा यह है कि तस्दीक करने के लिए इलम का होना जरूरी है। आप कारी साहब के पास आ जाए, प्रोफेसर साहब के पास आए, कहेंगे फलानी बात की तस्दीक करें, तो आपको ये कहेंगे किस बात की तस्दीक करें, हमें कुछ बात की इलम होगा तब तस्दीक करेंगे ना। जब इलम ही ना होगा तो तस्दीक कैसे करेंगे? तो मानना पड़ेगा कि मेरे नबी को पहले नबियों की नबूवत का भी इलम है, उनकी किताब का भी इलम है, और उनकी हिकमत की आपने तस्दीक करनी है, तमाम चीजों का इलम है, तभी तो सरकार द्वारा ने तस्दीक करनी है। तो फिर अगर आकर तस्दीक करनी है और किस चीज की जो उनके पास होती है, नबियों के पास क्या होता है, मैं ये अर्ज कर रहा था, नबियों के पास क्या होता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो नबी आएगा, सुम्मा जाकुम रसूल, ऐसा नबी होगा जो तस्दीक करेगा, सबसे आखिर में आएगा, बड़ी अजमत वाला शान वाला, रहमतुल आलमीन होगा, रहमतुल ऐसा रहमत आलमीन, ऐसी उसकी शान होगी। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, की खबर देने वाला भी होगा, शायद भी होगा, खुशखबरी देने वाला होगा, डर सुनाने वाला होगा। तीसरा भी उसकी शान क्या होगी उस नबी की? अल्लाह तआला फरमाता है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, दीनिल हक लेकर वो नबी तशरीफ लाएगा। उस नबी की शान क्या होगी? अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जो नबी आकर तस्दीक करेगा किस चीज की करेगा? नबियों के पास क्या होता है? आतैना हुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, इस चीज को उसने आकर तस्दीक करनी है। आगे शाह फरमाया सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल मामाकुम لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور ضرور ایمان بھی لانا، نبی کی مدد بھی، معلوم بھی ہوا، پتہ چلا کہ نبی ولی مدد کر سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیوں کیا؟ یہ وعدہ کیوں لیا گیا؟ کہتے سب مر گئے، ان کے مر گئے، हमारे नहीं मरे। मैं तो कहा करता हूँ मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। ये मियां खुशे हजर हो जाना, इतने जाना, वरना अल्लाह पाक उनको फिर दोबारा जिंदगी अदा कर देते। अंबिया अलैहि सलातो सलाम को बहुत सूरत फरमाया जरूर ईमान भी लाना, नबी की मदद भी करना। قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري، کیا اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذ، اس بات کو میرا پاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، کہا یا اللہ کیوں نہیں اقرار بھی کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا قال فشهدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ یہاں بھی بات ختم نہیں کی، فرمایا وعدہ معکم من الشاہدین، مجھے بھی شامل کر لو، کیونکہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کو سلام ہے۔ تو اس ساری آیت کریمہ کے اندر سرکار کی میلاد کا تذکرہ، علماء کرام آپ اللہ کے سامنے بیان کریں، سارے اس لیے میلاد کا تذکرہ ہے، تو اس لیے میلاد کیا کریں، جہاں میلاد کریں وہاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آخری بار اشرف علی تھانے سے کسی نے پوچھا کہ نصر الدین کتاب جو آپ نے لکھی ہے کیوں لکھی ہے، اس کی وجوحات کیا ہے؟ کہ نور والی تمام حدیث اس کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں کہیں تقریر کرنے کے لیے گیا، وہاں ایک قصبہ تھا، تاؤن کی بیماری تھی، تاؤن کی کہ سنی سنی گھر بات نہیں جو پڑی ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کہ تاؤن کی بیماری تھی، لوگ مر رہے تھے،
मुझे कहा मौलाना दुआ करे। मैंने दुआ भी की, रात को वहां ठहर गया। कहते हैं मैं ठहरा, रात को मैंने नबी पाक के मिलाद की किताब लिखनी शुरू कर दी। जब लिखनी शुरू की सुबह हुआ तो किसी बंदे को मौत वाकया नहीं हुई। मैंने सोचा इत्तेफाक होगा। दूसरे दिन फिर मैं रात को सरकारे द्वारा का तस्करा लिखता रहा, सुबह उठा कोई मौत वाकया नहीं। 3 दिन गुजर गए, सरकार के जिक्र की वजह से अल्लाह ने अजाब उठा। होवे बर्बाद वो घर जिस घर में तेरी याद न हो, उधर वो शहरी जहां महफिल मिलाद न हो। वाह खुदा वाह।